हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस 10 अगस्त को सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो गया। फिलहाल इस मियाद को थोड़ा आगे खिसका दिया गया है। सोनिया के मन में अब भी राहुल है, पर राहुल है जो इन जिम्मेदारियों को किसी और को सौंपने की वकालत कर रहे हैं। कई नाम जो धूमकेतु की तरह कांग्रेसी आकाश में विचरण कर रहे हैं नए कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर, वे हैं आनंदपुर साहिब से कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी का नाम जो सबसे प्रमुखता से आगे चल रहा है। तिवारी जो पेशे से वकील हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, इन दिनों वे चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी के सबसे पसंदीदा सलाहकार बनकर उभरे हैं। कहते हैं मनीष तिवारी को अहमद पटेल का भी समर्थन हासिल है। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी तिवारी के नाम की ही मुहिम चला रहे हैं। इस रेस में कई और नाम भी शामिल हैं, जैसे नई अंग्रेजी के प्रवर्तक शशि थरूर, हरियाणा के युवा नेता रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी के सबसे करीबियों में शुमार होने वाले महाराष्ट्र के राजीव सातव। सातव राहुल को इतने प्यारे हैं कि जब महाराष्ट्र से राज्यसभा की सीट खाली हुई तो कई हैवीवेट कांग्रेसियों के दावों को दरकिनार करते हुए राहुल सातव को राज्यसभा में लेकर आ गए। इस बार जब कांग्रेस के सांसदों की एक अहम बैठक चल रही थी तो सातव ने पार्टी के अंदर नए पुराने की बहस छेड़ दी, जिससे पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सातव से बेतरह नाराज हो गए। तब सोनिया को डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आना पड़ा। सो ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा कि क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी के शीर्ष ताज को एन वक्त नकार पाएंगे जब उन्होंने देश में मोदी विरोध की नई अलख जगाई है, और अगर अपनी ना पर वे कायम रहे तो फिर तिवारी, थरूर, सुरजेवाला या सातव जैसे कांग्रेसियों की लॉटरी निकल सकती है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।